हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे टॉप 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये लेक्चर हमारा फोर्थ है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। चलिए हम अपना 1 वर्ड याद करना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वर्ड है बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। जो व्यक्ति पुस्तकों से प्रेम करे, किताबों से प्रेम करे, जो बुक्स लवर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बिब्लोफाइल। वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक इज कॉल्ड बिब्लोफाइल। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाईएनियल। बाईएनियल दो वर्षीय। जो चीज़ 2 वर्षों में एक बार हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाईएनियल। जो चीज़ 2 वर्षों में एक बार हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बाईएनियल, 2 वर्षीय। डैट विच हैपन्स वंस इन 2 ईयर, 2 साल में एक बार हो, बाईएनियल। और जो नेक्स्ट वर्ड देखिए, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाईएनियल, बाईएनियल का मतलब है जो वर्ष में 2 बार हो। तो आप ऊपर वाले में और इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। बाईएनियल का मतलब है जो 2 वर्षों में एक बार हो, और बाईएनुअल का मतलब है जो एक वर्ष में 2 बार हो। डैट हैपन्स ट्वाइस अ ईयर। नेक्स्ट वर्ड में अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाई गेमी। देखिए ये गेमी जहाँ भी आए आप समझिएगा मेरिज से इसका रिलेशन है। गेमी का मतलब होता है मेरिज या शादी, तो बाई गेमी। और मैंने आपको बताया था बाई का मतलब क्या होता है? टू। बाई का मतलब टू और गेमी का मतलब क्या? मैरिज। तो जिस जो 2 मैरिज में बिलीव करे, जो 2 विवाह प्रथा बोल सकते हैं इसको। बाई गेमी का मतलब क्या होता है? 2 विवाह प्रथा। तो आप रूट वर्ड अगर आपने याद कर लिया ना, तो आप कभी नहीं भूलोगे। बाई का मतलब 2 और गेमी का मतलब मैरिज, यानी 2 विवाह प्रथा। बाई गेमी 2 विवाह प्रथा। बाई गेमी द कस्टम ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड इज कॉल्ड बाई गेमी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाइगोट। बाइगोट का मतलब होता है कट्टर। बाइगोट का मतलब होता है कट्टर और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। बाइगोट का मतलब होता है कट्टर। वन हु इज़ फिल्ड विथ नैरो एंड प्रिजुडाइज ओपिनियन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन। नेक्स्ट वर्ड है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल देखिए मैंने आपको बताया ना, बाई का मतलब होता है 2, BI, बाई का मतलब 2, मोनो का मतलब होगा 1। ऐसे काफ़ी सारे रूट वर्ड हैं मैंने आपको कराए हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। और लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज। लिंगुअल लैंग्वेज से रिलेटेड है, यानी बाइलिंगुअल जो 2 भाषीय हो, जो 2 भाषा बोल सके, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइलिंगुअल। तो आप समझ गए होंगे बाइलिंगुअल का मतलब वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइलिंगुअल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बायोग्राफी। बायोग्राफी, बायोग्राफी का होता है जीवन कथा। जीवन कथा किसी और की और लिखे कोई और। देखिए जैसे कि राम की कोई जीवन कथा है और एक लेखक है श्याम, वो राम की जीवन कथा लिखता है, उसको हम बोलेंगे बायोग्राफी। और एक वर्ड होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जैसे कि राम की जीवनी है और स्वयं राम ही उसको लिख रहा है, तो हम उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। लेकिन बायोग्राफी में राम की जीवनी कौन लिखेगा? कोई और व्यक्ति लिखेगा, वो श्याम हो सकता है या सुरेश हो सकता है, लेकिन कोई और लिखेगा। अगर वो स्वयं लिखता तो ऑटोबायोग्राफी हो जाता। ठीक है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, बायोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाईपैड। बाईपैड का मतलब 2 पहिया, मतलब जिसके 2 पैर हो, जिस एनिमल्स के 2 पैर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाईपैड। ठीक है, एनिमल्स विच 2 फीट इज कॉल्ड बाईपैड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लेसफेम। ब्लेसफेम देखिए कई तरह के लोग होते हैं हमारे समाज में,
कुछ जो ईश्वर पे बहुत श्रद्धा रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो कहीं व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते या फिर लोगों को भड़काने के लिए उल्टा सीधा ईश्वर के बारे में बोलते हैं गलत सलत, तो उनको हम बोलते हैं ब्लेसफेम। ईश्वर के खिलाफ बोलने वालों को हम क्या बोलेंगे? ब्लेसफेम। ब्लेसफेम स्पीकिंग इरिवेंटली अबाउट गॉड और स्केयर्ड थिंग्स इज कॉल्ड ब्लेसफेम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्लिस। ब्लिस ब्लिस का मतलब होता है चरम सुख। चरम सुख मतलब कि परफेक्ट हैप्पीनेस। परफेक्ट हैप्पीनेस इज कॉल्ड ब्लिस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉबीमियन। बॉबीमियन का मतलब होता है स्वेच्छाचारी, मतलब कि जो स्वयं जो मन में आए वो करे, उसको कोई मतलब नहीं है किसी और के रूल और किसी और के नॉर्म्स वो पे नहीं चले। मतलब कि कोई किसी और का रूल ना फॉलो करे, वो खुद का रूल बनाए और खुद उस रूल पे चले, हम उसको बोलते हैं बॉयमैन, यानी कि जो मन में आए वो करे। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सोशल लाइफ के नियम कानून है उसको फॉलो ना करे और वो अपने इच्छा की करे, हम उसको बोलते हैं बॉबीमियन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुकवर्म या बिब्लोफिलिक। मैंने आपको ऊपर बताया बिब्लोफाइल का मतलब होता है किताबों से रिलेटेड, और ये बिब्लोफिलिक है। बिब्लोफिलिक का मतलब किताबी कीड़ा होता है, और बुकवर्म, वर्म का मतलब तो आपको पता ही है कीड़ा होता है, ठीक है, और बुक वर्म यानी किताबी कीड़ा या फिब्लोफिलिक का मतलब भी सेम ही होता है, किताबी कीड़ा, ठीक है, यानी पुस्तक प्रेमी भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन किताबी कीड़ा ज़्यादा सही होगा। वन हु मतलब कि जो किताबों में घुसा रहे, कई बच्चे होते हैं ना जो इतना पढ़ते हैं 95% 97% आता है, वो क्या दिन रात बस उनको किताब ही चाहिए, तो उनको उसको बोलते हैं बुक वर्म या फिब्लोफिलिक। One who is interested in reading books and nothing else, मतलब बुक पढ़ने के अलावा उसके पास कुछ और ना हो पढ़ने को, या फिर मतलब किसी और चीज़ में वो इंटरेस्ट ना लेता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Bookworm या bibliophilic। Next word है हमारा Boris। क्या word है हमारा? Boris। Boris का मतलब होता है गवार। गवार अपन बोलते हैं ना, अबे तू गवार है, यानी कि अनएजुकेटेड है क्या तू? बोरिस का मतलब वही होगा। बोरिस का मतलब क्या? गंवार। पर्सन हु इज़ रफ एंड इल मैनर्ड, क्या बोलेंगे हम उसको? बोरिस। बोरिस का मतलब गंवार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा बोटैनी। बोटैनी वनस्पति विज्ञान, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ इज कॉल्ड बोटैनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर, ए थिंग विच कैन बी ईजली ब्रोकन। आप इसको जानते होंगे इसलिए मैं आप इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैबरेट। कैबरेट कैबरेट का मतलब होता है कैबर नृत्य, यानी कि जो क्लब में डांस होता है ना उसको हम बोलते हैं कैबरेट। कैबरेट द सीरीज ऑफ टाइप ऑफ डांस परफॉर्मेंस, या फिर जो क्लब में डांस होता है, या फिर जो सीरीज ऑफ अ टाइप ऑफ डांस परफॉर्मेंस, आप इसको समझ पा रहे होंगे। आप क्लब का डांस भी बोल सकते हैं, जो क्लब में डांस होते हैं ना उसको हम कैबरेट ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैबी या कैब ड्राइवर, काफ़ी कॉमन वर्ड है। कैबी का मतलब क्या होता है? जो कैब ड्राइवर होते हैं ना, जैसे ओला उबर या फिर जो टैक्सी के जो ड्राइवर होते हैं उनको हम बोलते हैं केवी या फिर कैब ड्राइवर, ठीक है। हम अब आगे चलते हैं, और हमारा एक वर्ड है केकोफोनी। केकोफोनी केकोफोनी मतलब कि हार्श साउंड। कोई बोलता है ना बिल्कुल ऐसे अजीब से, जैसे कौवे की क्या है? हार्श साउंड है, तो केकोफोनी मतलब बहुत बुरी आवाज़, कर्कश आवाज़ बोलते हैं ना उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कैकोफोनी यानी कि हार्श साउंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैजोल। कैजोल का मतलब होता है खुशामद करना। खुशामद करना परस्यूड बाय फ्लैटरी, किसी के अपन खुशामद करते हैं ना, मान लो कि आपने कईयों को देखा होगा, कईयों की आदत होती है कि
कि वो चमचागिरी करता है, एक दूसरे की चमचागिरी करता है, भाई तू तो बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो वो क्या है, कैजोल खुशामद कर रहा है ना उसकी, तो कैजोल परस्यूड बाय फ्लैटरी। हम अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको वोकैब में थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ होगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और पहले वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद, मैं अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ।